क्या हाल है बिलाल भाई शुक्र है ठीक है सबसे पहले अपनी शॉप का एड्रेस बता दे टन फेस एल जी ट्वेंटी राहुल पिंडी राहुल पिंडी क्या आर्टिकल लेके आए आर्टिकल स्टिच हुआ कस्टमर का ठीक है चिकनकारी प्लस मुकेश गोटे के काम के ठीक है ये इसका स्टिचिंग है ये डाइज है ठीक है तो ये जिस तरह बनता है उससे पहले ये मैं बाद में डिस्प्ले करूंगा जैसे बना है वो मैं पहले आपको डिस्प्ले करा के दिखा देता हूँ ठीक है इसका स्ट्रक्चर डिस्प्ले करा के दिखा रहे हैं आप जी के बेसिकली किस चीज को आपने वापस पैनल्स खोले हैं पहले जोड़े थे जी फिर बाद में उस पर काम हुआ फिर उसको दोबारा से ओपन होते हैं फिर उसमें मजीद पैनल्स एड ऑन होते हैं ठीक है जबरदस्त ठीक है ये कौन कौन सी कली ज्वाइंट की हुई हुई है बनारसी प्लस चिकनकारी चिकन की, की कली जॉइंट की हुई हुई है ठीक है और इसके ऊपर जो है गोटे का प्रॉपर काम हुआ हुआ है ठीक है अब ये है लहंगा कंप्लीट ठीक है इस लहंगे में मजीद जो है हमसे कस्टमर पर मुकेश के पैनल्स ऐड कराते हैं तो असल में जब वो पिंक वाला लहंगा हम डिस्प्ले कराएंगे तो तब जाके आपको आइडिया होगा इसमें ये पैनल्स एड ऑन ऐड ऑन होंगे ठीक है तो तब जाके जो है आपको पिंक वाले लहंगे की प्राइस और पिंक वाले लहंगे की जो है कंप्लीट आउटफिट का ना आपको आइडिया होगा ये है लहंगे का स्ट्रक्चर जिसमें बनारसी प्लस चिकनकारी के पैनल्स पहले स्ट्रक्चर खड़ा होता है उसके बाद गोटे का काम हुआ है ठीक है अब इसको आप कोई भी कलर जो है डाई करा सकते हैं ये और ये पैनल्स एड ऑन होंगे ठीक है इसका दुबट्टा और चोली दिखाएँ उसके बाद हम मजीद आ, उस पर पिंक वाले लहंगे पे फिर आएंगे ये इसका दुबट्टा है ठीक है ये बनारसी प्योर बनारसी केमखाब बनारसी के ऊपर प्रॉपर गोटे का काम हुआ हुआ, हुआ, हुआ है ठीक है और ऑर्डर प्लेस करने का इंतहाई आसान तरीका ये है कि आप स्क्रीनशॉट लें अपना ऑर्डर प्लेस करें यह है इसकी चोली ठीक है आप इसको आप दुनिया का कोई भी कलर डाई करा सकते हैं हंड्रेड परसेंट प्योर बनारसी के ऊपर हमने एक गोटे का काम कराया हुआ हुआ है अब हम डिस्प्ले कराते हैं लहंगा जो कि हमने बनवाया हुआ हुआ है आ, पहले पैनल्स देखें फिर रिपीट कर रहा हूँ पहले पैनल्स हम खड़े करते हैं उसके ऊपर काम कराते हैं गोटे का ठीक है उसके बाद वही पैनल्स दोबारा हम खोल देते हैं ताकि हमें मज़ीद पैनल जो है ना जॉइंट ऐड ऑन करने पड़े। अब ये एक लहंगा है ठीक है इसमें आप ये चेक करें कि किस हद तक ख़ूबसूरत काम आ, हुआ, हुआ, हुआ हुआ है मुकेश का गोटे का प्लेन गोटे का और चिकनकारी का मतलब चार किस्म के पैनल्स हैं जो कि हमने ये वाला लहंगा ओपन कराया था ठीक है इसका स्ट्रक्चर ओपन कराया था और अब मज़ीद जाके आप इसका लहंगा चेक कर सकते हैं आप और इसका फ्लेयर आप चेक कर सकते हैं ठीक है सो ये चेक करें ये बिलाल भाई आपको डेमो साथ साथ इसीलिए दे रहे हैं कि ये जो चीज़ थी ठीक है ये ओपन हुई हुई थी इसका हमने स्ट्रक्चर ओपन कराया है ठीक है इसका स्ट्रक्चर हमने ओपन कराया है इसको वापस नीचे रखो ज़रा इसमें हमने मुकेश के पैनल्स एड ऑन कराए हैं ठीक है और तब जाके आपको इसका फ्लेयर का आइडिया हो रहा होगा इसको सेम एज इट इज़ पकड़ें प्रॉपर ये यहाँ से ये पकड़ें ये ज़बरदस्त बस ये है प्रॉपर देखें ये पैनल्स की सेटिंग है ठीक है ये पैनल्स की प्रॉपर सेटिंग है और पैनल की सेटिंग आप चेक कर सकते हैं किस हद तक खूबसूरत पैनल्स की सेटिंग हुई हुई है और ये आप चेक कर सकते हैं कंप्लीट लहंगा ठीक है ये कंप्लीट लहंगा आप देख सकते हैं फ्रंट बैक इसका सेम है ठीक है और इसके साथ साथ हमने जो इस पे इसके ऊपर जो लेस लगाई हुई हुई है ये इसकी कुंदन की प्रॉपर लेस है ठीक है ये कुंदन की प्रॉपर इसकी लेस है और ये इसका टिश्यू का पलटा है ठीक है कंप्लीट ओवरऑल जो है कतान की प्योर की स्लिप लगी हुई हुई है और फ्रंट बैक सेम है ये साथ ही साथ इसके हैंगिंग टसल्स हैं ठीक है हैंड वॉक हैंगिंग टसल्स हैं जो कि हंड्रेड परसेंट हमारे अपने होते हैं ठीक है ये इसके हैंगिंग टसल्स हैं जो कि आप इसके साथ बिल्कुल मैचिंग चेक कर सकते हैं हंड्रेड परसेंट सेम है और जो इसका कलर हमने डाई कराया हुआ हुआ है ये रोज़ गोल्ड कलर है ठीक है और इसी के साथ साथ अब हम आपको जो है इसका दुबट्टा चेक करा रहे हैं वैसे ये जो कलियाँ हैं ये चालीस कलियों का पीस है ये चालीस कलियों का पीस है ठीक है और बहुत ही खूबसूरत बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग के साथ हमने ये लहंगा बनाया हुआ हुआ है इसी के साथ साथ आपको इसका दुबट्टा इसकी पोटली चेक करा देते हैं और इसका दुपट्टा चेक करा देते हैं और इसकी चोली चेक करा देते हैं यह है इसकी पोटली ठीक है जो कि बिलाल भाई ने यह इसकी पोटली है वापस इसको पैक करें यह इसकी पोटली है 100 परसेंट वर्क गोटी की इसकी पोटली बनी हुई हुई है और ये इसकी चोली है ठीक है ये इसकी चोली है और इसका दुपट्टा आपको चेक करा देते हैं इसका जो दुबट्टा है वो गोटा प्लस मुकेश पे है ये है इसका दुबट्टा गोटा प्लस मुकेश ठीक है फोर साइड प्रॉपर बॉर्डर है ये बॉर्डर है फोर साइड प्रॉपर ठीक है और ये इसका ओवरऑल जो है टिश्यू का पलटा है और बैक साइड मैंने कंप्लीट जो है शेफोन से इसीलिए मैं फिनिशिंग करता हूं ताकि उसमें प्रॉपर फॉल आए इसको जरा वन साइड शोल्डर पे लाल भाई ये देखिए ये वन साइड शोल्डर पे बिलाल भाई ने रबट्टा लिया है तो आपको रबटट्टे का प्रॉपर आइडिया हो गया कि बेसिकली रबट्टा जो है और हमारी जो ऑर्गेन्जा होती है वो हंड्रेड परसेंट सॉफ्ट इसीलिए होती है क्योंकि ये हंड्रेड परसेंट प्योर होती है ठीक है ये हंड्रेड परसेंट प्योर होती है सो so प्योर चीज़ जो होती है उसकी फॉल दूर से ही पता चलती है कि उसकी फॉल कैसे होती है और किस हिसाब से वो फॉल करती है सो so बात आती है इसके प्राइस की तो ये जो लहंगा है ये रेडी टू वेयर रेडी टू वेयर टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ का ऑन ऑर्डर तैयार होगा कस्टमर को कोई भी कलर चाहिए वो कलर जो है उसके ऊपर हम डाई करा सकते हैं क्यों क्योंकि वो हंड्रेड परसेंट प्योर है ये रेडी टू वेयर आउटफिट की प्राइस दी है मैंने आपको अगर कोई भी कस्टमर जो है इस लहंगे में इंटरेस्टेड होगा तो सिंपली मैंने आपको इसकी प्राइस बता दी है ठीक है टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ ऑन ऑर्डर लहंगा जो है आपका रेडी होगा और ऑर्डर प्लेस करने का इंतहाई आसान तरीका ये है कि आप स्क्रीन लें और अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं काफ़ी कस्टमर जो हैं हमसे जस्ट सिल्वर की डिमांड कर रहे थे चिकन कारी के ऊपर और ये नाइन एम एम सीक्वेंस पे चिकन कारी स्पेशली हमने बनवाई है जिसमें आप अपने लहंगे काफ्तान शर्ट्स स्ट्रेट्स आउटफिट्स वगैरह बना सकते हैं ठीक है ये है हंड्रेड परसेंट नाइन एम एम सीक्वेंस के साथ शेफ़ोन पे है कोई भी कलर आप डाई करा सकते हैं ये सबसे पहला डिज़ाइन है चिकनकारी के साथ ये इसका सेकेंड डिज़ाइन है चिकनकारी के साथ ठीक है और ये इसका थर्ड डिज़ाइन है नाइन एम एम सीक्वेंस के साथ ठीक है चिकनकारी के साथ और ये है इसका फोर्थ डिज़ाइन नाइन एम एम सीक्वेंस चिकनकारी के साथ बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हैं स्ट्रेट स्ट्राइप्स में और ये है इसका फिफ्थ डिज़ाइन नाइन एम एम चिकनकारी के साथ सीक्वेंस के साथ ठीक है और ये है इसका सिक्स डिज़ाइन नाइन एम एम सीक्वेंस के साथ ये इसका सेवन्थ डिज़ाइन है नाइन एम एम चिकन कारी सीक्वेंस के साथ स्ट्रेट स्ट्राइप्स में और ये सीक्वेंस है ठीक है फॉइल नहीं है ये नाइन एम एम चिकन कारी सीक्वेंस के साथ ऑर्डर प्लेस करने का इंतहा आसान तरीका ये है कि आप स्क्रीन शॉट लें अपना ऑर्डर प्लेस करें इसमें भी आप अपने लहंगे वगैरह के आउटफिट्स वगैरह हमसे कस्टमाइज़ करके डिज़ाइन करवा सकते हैं ठीक है थीके? ये भी है आपका और मजीद डिज़ाइन खोलें अब ये गोल्डन सिल्वर मिक्स है ठीक है ये गोल्डन सिल्वर मिक्स है नाइन एम एम सीक्वेंस चिकन कारी के साथ ऑर्डर प्लेस करने का इंतहाई आसान तरीका ये है कि आप स्क्रीन शॉट लें अपना ऑर्डर प्लेस करें ये है नाइन एम एम सीक्वेंस के साथ ठीक है प्रॉपर चिकन कारी का काम हुआ हुआ, हुआ है और सिल्वर ठीक है हंड्रेड परसेंट सिल्वर डिज़ाइन हैं ये है नाइन एम एम सीक्वेंस के साथ और सिल्वर कंप्लीट ये चेक कर सकते हैं आप इसमें आप लहंगे कुछ भी कोई भी चीज़ आप हमें कहेंगे हम आपको वो चीज़ बनवा के देंगे इन और डिज़ाइन बाइंड अप गे हो गए बिल्डि सो ये थे वो डिज़ाइन जिसमें से आप अपने आउटफिट्स वगैरह बना सकते हैं डिज़ाइन कर सकते हैं कस्टमाइज़ कर, कर सकते हैं ये टू थाउजेंड रुपीज़ पर यार्ड है टू थाउजेंड रुपीज़ पर यार्ड है ऑर्डर प्लेस करने का इंतहा आसान तरीका ये है कि आप स्क्रीन शॉट लें और अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं ये कोर लहंगा है पर्पल कलर में और हंड्रेड परसेंट फाइल वर्क वाइट पे ही होते हैं ये लूज uh, फैब्रिक में तो उसमें से डिज़ाइन जो है सेलेक्ट किए जाते हैं प्रॉपर से इसके पैनल जो है वो खड़े होते हैं उसके बाद जो है लहंगा प्रॉपर स्टिच होता है ये पैनल्स की आप सेटिंग देख सकते हैं कि इसका कोई भी पैनल जो है वो बिल्कुल भी गलत नहीं किया पैनल बिल्कुल जो है स्ट्रेट अवे नीचे आ रहा है ठीक है और नीचे आके सेंटर लेस के साथ जो है बॉर्डर ज्वाइंट होता है ये प्रॉपर जरी का लेस है और ये लहंगे का फ्रंट बैक का फ्लेयर चेक कर सकते हैं विद हैंगिंग टसल्स ये पर्पल कलर है बहुत ही खूबसूरत कलर डाई हुआ हुआ है ठीक है और इसी के साथ साथ ये आप इसकी कंप्लीट जो है फिनिशिंग चेक कर सकते हैं लेसेस के साथ और ये ओवरऑल जो है टिश्यू का पलटा है नीचे कंप्लीट लाइनिंग है इसकी सो तो ये लेंगे की कंप्लीट फ्रंट एंड बैक की लुक है जो कि आपको वीडियो में दिख रहा है ये कंप्लीट लेंगे की फ्रंट एंड बैक की लुक है इसका दुबट्टा चोली और पोटली चेक करा दें ये इसकी पोटली आ जाती है ठीक है हंड्रेड परसेंट फाइल वॉक पे और ये इसकी चोली आ जाती है पच्चीस इंच लेंथ पे ठीक है ये इसकी बैक है ये इसकी बैक है और ये इसके स्लीव्स हैं स्लीव्स के नीचे कोई लाइनिंग नहीं है ये बेसिकली बैक है ठीक है फ्रंट चेक कराइएगा ज़रा ये है इसकी फ्रंट साइड चॉक्स के साथ पच्चीस इंच लंबाई के साथ ठीक है और ये कंप्लीट आप इसको चेक कर सकते हैं ठीक है थीके? ये इसकी ओवरऑल जो है टिच बटनज है और ये आ जाता है इसका दबटट्टा ये आ जाता है इसका दबट्टा कंप्लीट फाइल वर्क के साथ सीक्वेंस के साथ ठीक है और ये ओवरऑल जो है इसकी कंप्लीट फिनिशिंग के साथ जो है ट्रिमिंग आ जाती है समोसा लेस की ये दुबट्टा आ जाता है ये चोली आ जाती है और ये इसका लहंगा आ जाता है कोई भी आउटफिट आपको पसंद आती है सिंपली आप स्क्रीन लें व्हाट्सएप करें कम्प्लीट डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी बाकी वीडियो अगर आपको कैसी लगी इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़